तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। आज जो हमारा वीडियो है कुछ स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमने फाइंड करना है, उसके ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। और ये वैल्यू कैसे हमको पता याद होगा, इसका ट्रिक भी और इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हमको ये कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, इसका वैल्यू याद रखना मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसका जो टेबुलर फॉर्म है इस वैल्यू का, उसको आप पेपर पे लिख लीजिए और सामने रख के क्वेश्चंस कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा वैल्यू उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साइन 60 वैल्यू होता है √3/2, cos 60 की 30 की भी वैल्यू √3/2 होती है, sin 30° 1/2 और cos 60° भी 1/2, √3 × √3, 3 बचेगा, 2×2 = 4, 1/4, 3/4 = 1/4, 1 हो जाएगा, 3+1 4/4, वैल्यू आ गया 1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो दूसरा क्वेश्चन, वैल्यू याद आ गया तो बच्चों का खेल है, ये दोनों तो जीरो हो जाएगा। cos 30 और sin 60 का वैल्यू इक्वल होता है √3/2, तो 2×1 cos tan 45 1 होता है, 2 आंसर हो जाएगा, करके देखते हैं। चलिए सिर्फ वैल्यू याद रखना है, बहुत आसान होता है ये सब क्वेश्चन। 2×tan 45° 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 ये भी √3/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू इक्वल है, एक प्लस में एक माइनस में खत्म, 2×1 आ जाएगा 2 हो जाएगा आंसर, कितना इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वैल्यू याद होगी तो सिर्फ कैलकुलेशन, कई बार कैलकुलेशन भी हार्ड लगता है अगर रूट में आता है, लेकिन उसको इजी बनाएगा आपका प्रैक्टिस। cos 45° होता है 1/√2, sec 30 होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू है 2, 1/√2, यहां पे एलसीएम हो जाएगा √3 और 1 का √3, वैल्यू 2+√3, यहां डिवाइड है तो डिवाइड में डिवाइड के साथ इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा √3/2+√3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3×1 √3 हो जाएगा, ये √2 को मल्टीप्लाई करना है, रूट का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट अगर हो और इधर भी स्क्वायर रूट है तो रूट के भीतर मल्टीप्लाई करना है रूट को, मतलब और बाहर का बाहर, भीतर का भीतर बाहर का बाहर, तब जब दोनों स्क्वायर रूट हो, दोनों क्यूब रूट हो तभी, ऐसा ना कि यहाँ स्क्वायर रूट है यहाँ क्यूब रूट है, भीतर का भीतर गुना कर दीजिएगा तब भीतर चला जाए, तो √3 आ गया, 2 को 2√2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर का बाहर और भीतर का भीतर, √2 को 2√3 से, तो बाहर 2×1 2 हो जाएगा और भीतर स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, दोनों में देखिए तो 2 कॉमन है कि नहीं, तो √3/2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √2+√6। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ा जाता, उसका रेशनलाइज कर दिया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब 9th क्लास पढ़े हुएगा उम्मीद करते हैं अच्छे से, आप तो रेशनलाइज करेंगे, √2+√6 है तो √2 − √6/√2 − √6, ये यहां पे फिर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3×2 = 6 और 3×6 = 18, दोनों रूट के अंदर आ जाएगा 2, यहां देखिए तो a+b × a − b, तो a के जगह है √2 इसका स्क्वायर और b के जगह है √6 इसका स्क्वायर, हो जाएगा √6, 18 को तोड़ा जा सकता है, 2×3×3, 18 का क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का स्क्वायर √2, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर, ये क्या हो गया उड़ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो गया उड़ गया, √6 − 3 बाहर हो जाएगा जोड़े में है, तो 3√2/2 × −4, 2 − 6 क्या हो जाएगा −4, √6 − 3√2/−8। अब माइनस को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या, जो प्लस में वैल्यू है, जो प्लस में टर्म है माइनस हो जाएगा, जो माइनस में टर्म है वो प्लस में, मतलब 3√2 − √6/8, यही आपका क्या हो गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। वैल्यू फिट करनी है, साइन 30 डिग्री होता है 1 अपॉन 2, टेन 45 डिग्री 1, कॉसेक 60 डिग्री होता है 2 अपॉन रूट 3। चलिए डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, सेक 30 डिग्री होता है 2 अपॉन रूट 3, कॉस 60 डिग्री होता है 1 अपॉन 2 और कॉट 45 डिग्री होता है 1। यहां पे 2, 1 और रूट 3, रूट 3, 2 और 1 दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 से 2 गया रूट 3, 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 रूट 3 वैल्यू आ जाएगी, रूट 3 से रूट 3 गया 2, 2 जा 4, ये यहां वाला डिवाइड है, फिर आ गया 3, 2 तो हो जाएगा 2 रूट 3 एलसीएम, रूट 3 से रूट 3 गया 2, 2 जा 4, 2 से 2 गया बच गया रूट 3 और 1 से 2 रूट 3, यहां देखिए तो 2 रूट 3, 2 रूट 3 चला गया उड़ गया, यहां ऊपर बच गया रूट 3 प्लस 2 रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 4, यहां हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 3 रूट 3 प्लस 4, जैसा कि बताया पहले वाले इसमें क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं तो 3 रूट 3 प्लस 4 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 रूट 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है इसी वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह है 3 रूट 3, बी के जगह 4 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 3, 3 जा 9 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 9 3 जा कितना हो गया 27 माइनस 4, 4 जा 16, ऊपर वैल्यू हो जाएगा 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4, 3 जा 12, 12 2 जा 20, 4 रूट 3 प्लस 16, 27 माइनस 16 वैल्यू हो जाएगा 11, अब यह हो जाएगा 7 6 13 3 2 1 3 4 24 रूट 3 अपॉन 11, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है आपको, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1 अपॉन 2 होता है तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, sec 30 होता है 2 अपॉन रूट 3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया tan 45, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अभी 1 लिखेंगे नहीं, इसकी वैल्यू फिट करेंगे, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, कॉस 30 होता है रूट 3 अपॉन 2, दोनों के स्क्वायर है स्क्वायर करो, 5 2 2 जा 4, 5 अपॉन 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 अपॉन रूट 3 से स्क्वायर खत्म, 1 1 अपॉन 4 3 अपॉन 4 एक चौथाई 3 चौथाई मिलके कितना हो गया 1, डिनोमिनेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12 5 15, 3 4 जा 12 16, 4 जा 64 माइनस 12, 5 4 9 6 1 7 79 माइनस 12 अपॉन 12 7 67 अपॉन 12 क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चॉइस वाला क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ नहीं कैलकुलेशन वही रहेगा, आपको वैल्यू याद है तो कैलकुलेट कर दीजिए, 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 एलसीएम 3 3 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 4 अपॉन 3, जाहिर सी बात है यहां पे डिवाइड है, ये इसका डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 अपॉन रूट 3, 3 ऊपर और 4 नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 अपॉन रूट 3 इंटू 2, तो 3 अपॉन 2 रूट 3 वैल्यू आ गया, डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 अपॉन रूट 3 से मल्टी करेंगे, 3 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 से गया रूट 3 अपॉन 2, या तो कॉस 30 डिग्री होगा या साइन
60 डिग्री होगा। यहाँ पे वैल्यू देखिए cos 30 नहीं है, sin 60 ऑप्शन ए सही आंसर है। तो रूट 3 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री चॉइस है हमारे पास। 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, 1 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 0 अपॉन 2 वैल्यू आ जाएगी 0, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ये थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ये मतलब कोई एक्यूट एंगल है या ये कोई एंगल है, कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू सही होगा? तो साइन 2a अगर हम 30 डिग्री रखते या 45 डिग्री रखते या 60 डिग्री रखते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, 30 के लिए 60 हो जाएगा और 2 साइन ए, साइन ए 30 डिग्री रहेगा, वैल्यू हो जाएगी कर्व। मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे ये सही होगा। कैसे? साइन 2a लेंगे, 2 इंटू 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, वैल्यू आ जाएगी 0। 2 साइन ए आरएचएस ले रहे हैं तो साइन ए कितना डिग्री है, 0 डिग्री, 2 इंटू 0 क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। तो सिर्फ 0 डिग्री पे वैल्यू सही होगा, बाकी किसी पर भी ये वैल्यू सही नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, ये भी ऑप्शनल, ऑप्शन चुनना है इसमें। देखिए वैल्यू रख दीजिए 2 tan 30 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन 3, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1, 2 अपॉन रूट 3 2 अपॉन 3, यहां से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से 2 खत्म, 3 अपॉन रूट 3 डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे तो रूट 3 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, रूट 3 वैल्यू होती है टैन 60 डिग्री की या फिर कॉट 30 डिग्री की। तो यहां पे हमारे पास कॉट तो नहीं है लेकिन टैन 60 डिग्री है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन में ए और बी दो एक्यूट एंगल है और जिसमें ए बड़ा है किससे, बी से, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन ए प्लस बी किसके इक्वल है, रूट थ्री के, तो रूट थ्री में टेन की वैल्यू होती है टेन 60 डिग्री, कितना होता है, चलिए दोनों टेन है इसका मतलब कि एंगल भी इक्वल होगा, वैल्यू इक्वल है तो ए प्लस बी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं हम लोग, वन एंड टेन ए माइनस बी, टेन एंगल ए माइनस एंगल बी 1 अपॉन रूट 3 है और टेन में 1 अपॉन 3 की वैल्यू होती है टेन 30 डिग्री, कितना होगा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 3। चलिए टेन एक्यूट एंगल इक्वल होगा तब जब वैल्यू दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो बी से बी खत्म हो जाएगा, 1 और 2 को क्या किया हमने, ऐड कर दी और ए क्या हो जाएगा 2a, 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 कितना हो जाएगा 45, a एंगल हमारा फाइंड हो गया, कितना डिग्री हो गया 45। a को इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे, ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन 1, तो a कितना है 45 डिग्री प्लस b वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो b हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो b क्या हो गया 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट करा कि साइन एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, बिल्कुल नहीं जी, क्यों, क्योंकि a और b किसको डिनोट करता है, एंगल को, तो साइन a प्लस साइन b कभी भी एंगल को डिनोट, इसमें a अलग एंगल है और b
अलग एंगल है ए प्लस बी, मतलब अगर हम 30 डिग्री लेते हैं और बी 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का वैल्यू ऐड करेंगे तो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, तो पहला वैल्यू क्या हो गया गलत। ये देखिएगा जरा, ये दोनों एक साथ हम बता रहे हैं कि अगर कोई एंगल थीटा है जिसके लिए हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस की, जब हम थीटा की वैल्यू को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने पे थीटा की वैल्यू को क्या किया हमने इंक्रीज किया, तो यहां देखिए थीटा इंक्रीज होते ही थीटा के साथ साथ परपेंडिकुलर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो थीटा के साथ साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, लेकिन थीटा के साथ हमारा क्या है बेस जो है बेस की वैल्यू क्या हो रही दिन ब दिन घटते जा रही है, अगर थीटा बढ़ेगा तो बेस क्या हो जाएगा बेस छोटा होता चला जाएगा, मतलब अगर थीटा इंक्रीज करे तो कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा के इंक्रीज पे बेस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब थीटा के इंक्रीज पे कॉस की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, तो ये थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, तो कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस जीरो डिग्री अपॉन साइन जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है वन और साइन जीरो क्या होता है जीरो, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।